दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान से देखेंगे जो कि रेलवे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इससे इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि विज्ञान से किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे एग्जामिनेशन में आते हैं। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो ग्रुप डी और RRB LLP टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा TC क्लर्क और गार्ड और असिस्टेंट मास्टर एग्जामिनेशन आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारे चैनल अभी तक आप पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि यहां पे मैं डेली रेलवे एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियो अपडेट और एग्जामिनेशन का टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छा है, आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को नोट डाउन करके कहीं पे क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में हमेशा बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका आंसर है D, प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग प्रत्यास्थ गुणांक का SI मात्रक क्या है। तो SI मात्रक आप सारे का SI मात्रक याद रख लें, क्योंकि SI मात्रक एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा C, वह पदार्थ जो ध्वनि के को सहयोग करता है कहलाता है माध्यम। माध्यम वह प्रकाश पदार्थ जो ध्वनि को सहयोग करता है माध्यम कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किसमें जुड़ा होता है, तो इसका 4 का जो आंसर है वो C, विद्युत में लाइव सीरीज में, जिसको लाइव सीरीज बोलते हैं जहाँ पे करंट जाता है उसको विद्युमय हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइव सीरीज। विद्युत मोटर ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसका आंसर होगा D, विद्युत। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेकेरियस जेंसन ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है, तो जो कि तत्व दिया हुआ उसका सबसे गलनांक सबसे कम है वह पदार्थ है फ्लोरीन। Fe के न्यूजियम में 26 प्रोटॉन होते हैं, Fe2+ आयरन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 24। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, इसका आंसर है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेमेरिन इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है इमली। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है, तो उसका सबसे अधिक होता है वो आंसर है आर्गन। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, उसका आंसर है D, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं वो है C, तंत्रिका कोशिकाएं। शरीर का कौन सा अंग निमोनिया रोग से प्रभावित होता है, तो उसका आंसर है D, फेफड़े। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करते हैं, उसका आंसर है 15 का B, अमोनियम। तो दोस्तों ये 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बताने के लिए, ऐसे ही मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको सहायता हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।